मोदी सरकार केंद्रीय बजट यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए उपराजधानी के चिटनविस सेंटर में व्याख्यान देने के लिए आए थे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय को देखते हुए सरकार द्वारा की जा रही निजीकरण की पॉलिसी देश हित में है। उन्होंने मारुति उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह सरकार ने इसका निजीकरण किया, इससे और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। महात्मा गांधी का सपना स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने का था, इसे मौजूदा सरकार पूरा करने जा रही है। पहले देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 80% थी, लेकिन आज गांव का भी शहरीकरण होते जा रहा है और कृषि क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। इस कारण कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 कृषि कानून महत्वपूर्ण है। संवाददाता सम्मेलन में सांसद विकास महात्मे, शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, विधायक गिरीश व्यास, प्रदेश प्रवक्ता चंदन गोस्वामी, मिलिंद कनाडे, जयप्रकाश पारिक, आशीष मक्किम, अनिरुद्ध पालकर, योगेश बंग, अशोक शनिवारी, राम अवतार अग्रवाल आदि उपस्थित थे। अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीची स्थिती ही केवळ देशामध्येच नाही तर सर्व जगामध्ये आर्थिक स्थिती चिंताजनक होती, कारण 2020 साल हे जवळजवळ उजाडतं आणि संपेपर्यंत हे वर्ष कुलपात ठेवल्यासारखंच गेलं आणि स्वाभाविकपणे त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला। आर्थिक व्यवहारच बंद असतील तर अर्थव्यवस्था वाढणं शक्यच नाही आणि अशा पार्श्वभूमीवर आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामनजींनी सादर केला। मला सांगायला आनंद होतो, तुम्ही त्याचा अनुभव घेतला असेल, की त्याचं खरोखरच चांगलं स्वागत तुम्ही केलं, लोकांनी केलं, अर्थतज्ज्ञांनी केलं, सर्वसामान्य माणसांनी केलं। कारण या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतुदीबरोबरच देशाला एक नवीन दिशा देण्यासाठी काही पावलं उचललेली आहेत। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।